हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सोया चिल्ली। मैं कैसे बनाती हूँ, तो सबसे पहले सोया चिल्ली बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप सोयाबीन को बॉयल करके ले लिया है। यहाँ 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम और ओनियन दोनों को अच्छे से काट लिया है। यहाँ 4 से 5 ग्रीन चिल्ली ली है, उसको भी अच्छे से फाइनली चॉप कर दिया है। थोड़ा अदरक यहाँ लिया है मैंने, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, विनेगर, टोमेटो केचप, सॉल्ट, मैदा और लिया है मैंने यहाँ वीकफील्ड का कॉर्नफ्लोर। तो चलिए सबसे पहले मैरिनेशन रेडी करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने धनिया पत्ता ये गार्निशिंग के लिए लिया है। सबसे पहले मैरिनेशन के लिए मैं इसमें डालूँगी मैदा। सोयाबीन पहले से डाला हुआ वो तो दिख गया आप लोग को। उसके बाद मैं इसमें एकदम हल्का सा 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा मैं इसमें सोया सॉस यूज़ करूँगी। इससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। तो मैं फूड कलर डाल के नहीं बनाती हूँ कोई भी चाइनीज़ फूड, वो जो भी मेरा है वो सब नेचुरल ही है। क्या है, तो जो मेरे पास है सोया सॉस उसको ही डाल के बनाती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि सोयाबीन जो है वो थोड़ा सा उसमें पानी छोड़ दिया था मैंने, अच्छे से उसको नहीं निचोड़ा था, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये खुद पे खुद पानी छोड़ देगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे रेडी हो गया था। अब मैं इस पर डालूँगी तेल अच्छे से, एकदम जब ये गर्म हो जाएगा, एकदम अच्छा गर्म करना है धुआं वाला, फिर इसमें डाल देना है मुझे ये जो मैरिनेशन मैंने रेडी किया है सोयाबीन का, उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी सारे सोयाबीन को। तेल जितना गर्म आपका होगा उतना स्मोकी टेस्ट आएगा चाइनीज़ फूड में। कोई भी चाइनीज़ फूड अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ऑयल एकदम गर्म रहे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, थोड़ा क्रिस्पी करके ही पकाइएगा इसको अच्छे से, क्रिस्पीनेस रहता है तो थोड़ा सा टेस्टी लगता है। ये स्टार्टर ही रहेगा मेरे लिए, स्टार्टर टाइप का ही मैं बना रही हूँ, कहे तो ड्राई सोया चिल्ली। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैंने उसी ऑयल में थोड़ा वही जो डाला था, काट के रखा था ना वो मिर्च और अदरक वो सब डाल दिया है। फिर इसमें कैप्सिकम और ओनियन भी डाल दी। उसको एकदम हाई फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाना ही नहीं है इसको, इसको तो रेड करना है। हाई फ्लेम पे रेड कीजिएगा तो टेस्ट अच्छा आता है, स्मोक टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से चलाते रहना है। देखिए मेरा ये लगभग रेड हो गया है, थोड़ा सा ये और रेड होगा। बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और अच्छे से बन जाता है। ये देखिए मेरा ये लगभग प्याज हो गया है रेडी। अब मैं इसमें सारे जितने भी हैं इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, फिर टोमेटो केचप और हल्का सा नमक डालिएगा, इसलिए क्योंकि नमक मैंने उसमें भी सोयाबीन को जब मैरिनेट किया था तो उसमें भी डाला था, इसलिए आप लोग को जितना कम ज़्यादा पसंद है उसके हिसाब से आप लोग खुद अंदाज से डाल लीजिएगा नमक। इसको अच्छे से एकदम गरम गरम कहे तो मतलब पूरा एकदम हाई फ्लेम पे ही इसको अच्छे से भून लीजिएगा। देखिए ये मेरा लगभग रेडी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मेरा सोया चंक्स है, को अच्छे से एकदम मिक्स करना, हाई फ्लेम पे ही रहने देना है, इसको बिल्कुल लो नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे ही बनाइएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाथ को एकदम चलाते रहिएगा, ये नहीं कि हाई फ्लेम पे करके छोड़ दिए हैं तो वो नीचे से पूरा जल जाएगा। अब ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं अब डाल रही हूँ धनिया पत्ता, मेरा रेडी हो गया है। इसको भी पूरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा रेडी हो गया है सोया चिल्ली, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा सोया चिल्ली रेडी है। थैंक यू।